सो हेलो गाइस, मैं राहुल जैसा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने हिंदी चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ, आप लोग अपने चैनल के लिए लोगो बनाते हैं पिक्सआर्ट या फिर कोई भी ऐप की मदद से, तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से नहीं बन पाता। तो आज के वीडियो में मैंने लेके आया हूँ आपके लिए एक ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट जिसके मदद से अगर आप लोग को जो स्टेप बताऊंगा वो करेंगे तो आप लोग अपने चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ आप लोग को एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आप लोग को बताऊंगा बस उसको आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आप लोग भी एक अपने चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो लास्ट तक देखना है। और दोस्तों आप लोग अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर नए चैनल कर लेना भाई सब्सक्राइब साथ में कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मैं आपके लिए ऐसे नई वीडियो हेल्पफुल या यूट्यूब टेक या फिर अनबॉक्सिंग से रिलेटेड ला देता हूँ। चलिए फिर से आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को भी एक प्रोफेशनल तरीके से अपने चैनल का लोगो क्रिएट करना है तो यहाँ पर मैं आप लोग को जो कुछ भी बताऊंगा उसको आप लोग को ध्यान से सुनना है, उसके बाद आप लोगों को अपने स्मार्टफोन में उस तरीके से वर्क करना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे मैं जो कुछ भी इस स्मार्टफोन में वर्क कर रहा हूँ आप लोग साइड में स्क्रीन में देख लेना और वैसे अपने स्मार्टफोन में कर लेना। यहाँ पे मैं अपना जो क्रोम ब्राउजर है उसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को सर्च बार में जाना है और एक वेबसाइट है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है जो कि है www.brandcrowd.com। तो इसकी जो लिंक है मैं आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाके आप लोग ये पेज पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ये वेबसाइट को। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर लिखा है ब्रांड क्राउड जो कि ऑफिशियली इसकी वेबसाइट है। अब यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन लोगो बना सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो धीरे से मैं जाऊंगा नीचे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग एक नेम लिखा हुआ है सर्च बाय कीवर्ड, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आप लोगों को, अपना जो चैनल का नेम है वो यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने एपटेक हिंदी मेरे चैनल का नेम लिख लिया हूँ। नीचे आप लोग लोगो मेकर लिखा हुआ है उसको भी वैसे ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सर्च लोगोज पे क्लिक कर लेना है। सर्च लोगो पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके चैनल के नाम से वहां पे बहुत सारे लोगो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे आप लोग को लोगो मिल रहा है। जो लोगो आप लोग को पसंद है उसको टैप करके आप लोग वहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब धीरे से मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाने के बाद फिर आप लोग को और बताऊंगा कि कितना लोगो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर अकाउंटिंग के लिए लोगो बना रहे हैं तो अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे, एयरलाइन, एनिमल, यहाँ पे बहुत सारे नेम लिखा हुआ है, जिसपे भी चाहिए उस पर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूट्यूब लिखा है सबसे नीचे लास्ट में, यूट्यूब पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यूट्यूब के लिए आप लोग को लोगो प्रोवाइड करके दे देगा। तो यहाँ पे आपको जो पसंद आता है वो आप लोग ले सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब ये देख लीजिए यूट्यूब के रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारे लोगो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे फोटोग्राफी क्लिक करेंगे तो उसके रिलेटेड आप लोग को लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी है जो कि आप लोग यहाँ से चूज करके उस तरीके से लोगों को पसंद करके क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज आप लोग को यहाँ पे और बता दूं, मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद जहाँ पे आपने अपने चैनल का नेम लिखा था, अगर उसके नीचे आप लोग और कुछ वर्ड लिखते हैं तो वहां पे मैं आप लोग को बता दूं, देख लीजिए कीवर्ड है यहाँ पे यूट्यूब टाइप है। अगर यहाँ पे मैं मोबाइल लिख लेता हूँ यहाँ से मोबाइल, और मोबाइल लिख के यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, तो मोबाइल का जो लोगो है आप लोगों को अपने चैनल के साथ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीच में लोगों के अंदर मोबाइल बना हुआ है और यहाँ पे चैनल का नेम भी लिखा हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा है, एपटेक हिंदी ग्रीन वाला लोगो। और हम धीरे धीरे स्लाइड करेंगे तो आप लोग को ऐसे बहुत सारे लोगो भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए रेड और ब्लैक वाला जो लोगो है ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसको हम टैप करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फिर यहाँ से मैं आप लोग को बताऊंगा कि एडिटिंग आप लोग को कैसे करना है। अगर एडिटिंग नहीं करना है तो यहाँ पे आप लोग वैसा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए ये बोल रहा है ईमेल एड्रेस डाले, तो यहाँ पे आप लोग को डालना है तो डाल के सबमिट कर सकते हैं, नहीं डालना है तो नो थैंक्स पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों देख लीजिए ये लोगों को यहाँ पे आ गया है जो हमने चूज करा था, यहाँ पे लोगो इसको आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इस पे मैंने टैप करा तो ये हिल रहा है, ये जो नेम है नेम भी हिल रहा है। अब यहाँ पे हम लोगो पे सबसे पहले क्लिक करेंगे और इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो लोगो पे आप लोग को सबसे पहले तो क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों को जाना है कलर। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे तीन कलर आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो जो व्हाइट है ये आप लोगों को लोगो का आउटलाइन देखने को मिल रहा है व्हाइट कलर, ब्लैक के बाद वो आउटलाइन है, बीच वाला जो है कलर है लोगो का। तो एक बीच वाले पे मैंने टैप करा, टैप करने के बाद यहाँ पे ये कलर सबसे नीचे वाला नीला कलर ले लेता हूँ, मिक्स में है, ले लिया और यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा जो एपटेक हिंदी चैनल का नेम लिखा हुआ है, अब उसका हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, तो आप लोग को उस पर टैप कर लेना है अपने एपटेक हिंदी चैनल का वर्ड को। और वहां पे टैप करने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं एक ब्लैक कलर आप लोग को देखने को मिल रहा है, उस पर आपको टैप करना है। और उस पर टैप करेंगे आप लोग तो यहाँ से आपके सामने बहुत सारे ऐसे आप लोग को कलर देखने को मिल जाएंगे। तो ये नीचे से ऊपर वाला जो कलर है इसको ले लिया हो, देख सकते हैं ये हो गया है। अब दोस्तों आप लोगों को फॉन्ट चेंज करना है तो आप लोगों को सिंपल सा अपना जो वर्ड है एपटेक हिंदी मैंने यहाँ पे लिखा हो उसको आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है।
सॉरी टेक्स्ट पे नहीं करना है आप लोग को क्लिक। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं भाई कहाँ है, कहाँ है यहाँ पे वर्ड वर्ड, हाँ ये है भाई एपटेक हिंदी के नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एपटेक हिंदी जहाँ लिखा है उसके नीचे आप लोग को बहुत सारे इस तरीके से मिल जाएंगे। अगर हम ये लेते हैं ये वाला, तो ये वाला देख लीजिए, ये यहाँ पे जो वर्ड है ये चेंज हो जाएगा देख सकते हैं ये। तो यहाँ से आप लोग अपना टेक्स्ट भी बदल सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा नंबर मिलता है आप लोगों को ये वाला, अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप लोग अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देख लीजिए ये किधर भग गया भाई, अब गलत हो गया है तो यहाँ पे आप लोग को एक अंडो का ऑप्शन है सेकंड नंबर पर रिसेट के साइड में, उसको क्लिक करेंगे तो फिर से आपका वही आ जाएगा। तो ये एक अच्छा मुझे देखने को मिला, और आपको फिर से वही करना है तो साइड में और आप लोग को वही दिख जाएगा। हम यहाँ पे रिटर्न ले लेते हैं, एक ऑप्शन डिलीट का भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये तो सेकंड नंबर का मैंने आप लोग को एडिट लेआउट के बारे में बताया। अब थर्ड वाला आप लोगों को मिलता है बैकग्राउंड का, जो कि आप लोग देख सकते हैं आपका जो लोगो है उसके बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है, तो आप लोग को बैकग्राउंड पे टच करना है। ठीक है, बैकग्राउंड पे टच करने के बाद आप लोग को कलर पे जाना है नीचे साइड में। अब यहाँ पे मैं नीला कलर भी ले सकता हूँ, देख लीजिए ये नीला हो गया है, और यहाँ पे हम लेंगे ब्लैक कलर, तो देख लीजिए ये ब्लैक हो गया है। तो ऐसे आप लोग जो कलर आप लोग को लगता है वो कलर आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो व्हाइट कलर था वही यहाँ पे ले लेता हूँ, देख सकते हैं ये आ गया था। फोर्थ नंबर पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एडिट लोगो का एक ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ से आप लोग लोगो को छोटा बड़ा जैसा आप लोग को जो साइज चाहिए वो आप लोग यहाँ से साइज कर सकते हैं यहाँ पे एडिट लोगो पे, और ये टेक्स्ट को ऐसा भी ले जा सकते हैं। टेक्स्ट को भी अगर आप लोग को छोटा करना है दोस्तों, तो यहाँ पे टेक्स्ट का भी टेक्स्ट को इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा शेप का, तो शेप पे लास्ट वाला जो है उस पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे शेप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे एक आपको और ऑप्शन मिलेगा ऐड शेप का, उस पर आप लोग को टैप करना है। तो यहाँ पे टैप करने के बाद आप लोग इस तरीके से सर्कल को टैप ले सकते हैं, और सर्कल को लेने के बाद दोस्तों आप लोगों को सिलेक्ट शेप पे सबसे नीचे मिलेगा, वहां पे चल जाना है, और इस तरीके से यहाँ पे आप लोग राउंड भी लगा सकते हैं। और ये नेम मेरा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो नेम है मैं तो जो फर्स्ट में था वही ले लेता हूँ, यहाँ पे वो सही लग रहा था। कहा गया चलिए ये भी सही लग रहा है, इसको भी ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने ले लिया हूँ दोस्तों। अब ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे एडिट कर लिया था, यहाँ पे आप लोग को बहुत से चीज सीखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को इसके बारे में बता दिया। अब आप लोग को सिंपल सा नीचे जाना है डाउनलोड पे, सेव प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देख लीजिए ईमेल एड्रेस मांग रहा है, तो आप लोगों को एक यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है, जो कि मैं यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस डाल के सबमिट कर देता हूँ। और सबमिट करने के बाद दोस्तों ये मेरा ईमेल एड्रेस सबमिट हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे एक नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मांग रहा है, जो कि आप लोग ने जितना भी वर्क करा है, लोगो बनाया है, क्रिएट करा है, उसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड पे आप लोग को क्लिक करना है, और डाउनलोड पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो देख लीजिए ये ऑर्डर बोल रहा है, आपने जो भी यहाँ पे लोगो को क्रिएट करा है उसके लिए ऑर्डर बोल रहा है, यानी कि आप लोग को यहाँ पे जो प्राइस है वो पे करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पे डॉलर से आप लोग को पे करना पड़ेगा, जो कि हम नीचे देखेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ पेमेंट पे करना होगा जो कि डॉलर में है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो डॉलर है वो $45 है, यानी कि आप लोग डिवाइड कर सकते हैं $1 का कितना प्राइस होता है और $45 का कितना प्राइस होता है। तो इतना पेमेंट तो हम नहीं दे सकते दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, बैग आना है। बैग आने के बाद आपका जो लोगो है वो लोगो का आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे ये लोगो है, लोगो का आप लोग स्क्रीनशॉट साइड में टैप करके इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग जो भी ऐप है, पिक्सआर्ट हो या फिर स्नैपसीड हो, पिक्सल लैब हो, वहां से आप लोग इस लोगो को क्रिएट कर लेना हल्का सा राउंड शेप में, या फिर आप लोग जो भी शेप में आप लोग को क्रिएट करना है कर सकते हैं, और वहां पे आप लोग इस लोगो को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इतना वर्क तो आप लोग इसमें कर सकते हैं। अब जब आप लोग को सेव करना है तो यहाँ पे पेमेंट पे करना होगा। अगर आप लोग दोस्तों बोलते हैं कि बिना पे करे हमको ये लोगो सेव करना चाहिए, तो वो कैसा सेव करेंगे, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो देखूंगा, और मुझे कुछ समझ में आएगा तो यहाँ पे फिर मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा एक वीडियो बना के, बिना पैसे दिए आप लोगो को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोग को पूरा नॉलेज दिया कि आप लोग किस तरीके से अपने चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो बना सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई हो, आप लोग भी सीख गए हो, तो वीडियो कर देना लाइक, कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं राम विजय सर, आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।